NIA ने यूपी और पंजाब के 8 शहरों में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के रामपुर, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ और अमरोहा में छापेमारी की गई है। मियां शुरू में आए मौलाना जो जिस आए थे वो साहब को उन्होंने गेट खोला है सबसे शुरू का। अच्छा, बड़ा गेट खोल दे फिर उन्हें हमारे साथ लाए पिछले कमरे में। अच्छा, हम लेटे हुए थे। हाँ, जैसे ही हम लेटे हुए थे तो बिना कपड़ों के थे तो उन्होंने आते ही शुरू में ही मोबाइल ले लिया हमारे। अच्छा, फिर मोबाइल लेते ही जी उनके हर जहाँ बिस्तरा कमरा और मतलब जहाँ बिस्तरा भी और बैग वैग सब चीज़ चेकिंग करी उन्होंने। हर चीज़ चेकिंग करके उधर से कुछ नहीं निकला। फिर यहाँ आ गए दफ्तर में से एक एक किताब चेक करी कि ये किताब कौन सी है, दहशतगर्दी की तो नहीं है, ये वो तो नहीं है। बस ऐसी बात पूछ रहे थे, हम सही से जवाब देते रहे और फिर दो ढाई ऐसे रहे यहाँ चार घंटे करीब फिर उन्हें अपने साथ ले गए। तो वहीं पंजाब के लुधियाना में भी छापेमारी हुई है। NIA के IG ने बताया कि छापेमारी आतंकवाद संगठन ISIS के संबंध में मिली जानकारी के आधार पर की गई है। सूत्रों की माने तो लुधियाना में देर रात छापेमारी हुई। इस छापेमारी में राहुल रोड स्थित मस्जिद से मौलाना ओवेस नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि ओवेस यूपी के रामपुर का रहने वाला है और पिछले 4 महीनों से मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा था। ये मौलाना ओवेस साहब को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गए हैं। ये 2:30 बजे NIA की टीम आई थी जो सवेरे 6 बजे उनको साथ में लेके गई है और उन्होंने हमें ये बात का आश्वासन दिया था अगर ये सही है तो हम इनको 12-1 बजे तक आपको फ़ोन कर देंगे और सही है मन में है और इनको ले जाना आप। किन किन को लेके गए? सिर्फ एक मौलाना ओवेस को लेके गए हैं। हाँ, आप कब से जानते हो ओवेस? यही तकरीबन वो रामपुर यूपी से बिलोंग करते हैं जो हमारे स्कूल मदरसे के अंदर टीचर हैं जी। तो क्या क्या लेके गई है? सिर्फ ये लेके गए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। वहीं यूपी के हापुड़ से 3 और बुलंदशहर से 1 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।